Welcome to our channel Gravity Coaching Center. Quantitative Aptitude Chapter HCF and LCM. Question number 186. Find the least number between 200 and 500, which leaves a remainder of 3 in each case when divided by 8, 10, 12 and 30. इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट नंबर फाइंड करनी है जो कि 200 और 500 के बीच होना चाहिए, और अगर उसको आप 8, 10 और 12 एंड 30 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि 8, 10, 12 और 30 का हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 8, 10, 12, 30, इनका हम पहले एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है 30 जो 10 का टेबल से कैंसिल हो जाए, 2 का टेबल से लेते हैं पहले, ये हो गया 4 और 6 कोमा 15, फिर अगेन 2 का टेबल से ये हो गया 2 3 और 15, 3 का टेबल से 15 कैंसिल हो जाएगा। तो देयर फोर एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 × 2 इंटू 15 इक्वल टू 15 × 8 = 120। तो इस 120 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो हमारा 200 और 500 के बीच लाई करेगा। तो हम 120 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 240, तो 240 जो है वो हमारा 200 और 500 के बीच लाइक। तो हैंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 3 उसमें क्या होना चाहिए, 3 बचना चाहिए, तो हम इसमें 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 240 + 3 = 243, सो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।